नमस्कार दोस्तों, यूके गार्डनिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुलाब के पौधे को विंटर सीजन के लिए कैसे तैयार किया जाए। आज की वीडियो को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं वो पार्ट्स कौन से हैं और अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक स्टरनाइज किया हुआ कटर लेना है और अपने गुलाब की प्रूनिंग करनी है। गुलाब के पौधे को हार्ड प्रूनिंग पसंद होती है, तो इसके लिए आप अपने गुलाब के पौधे की अच्छी खासी प्रूनिंग कर सकते हैं। इसकी जितनी अच्छी प्रूनिंग होगी, इसके अंदर अच्छी ब्रांचेस निकलेंगी, ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी और आने वाले फ्लावर्स भी अच्छे होंगे। इसके लिए आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करें। दोस्तों देखिए, मैंने अपने गुलाब के पौधे को प्रून कर लिया है अच्छे से। अब आपको क्या करना है कि हल्दी पाउडर लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके अपने गुलाब के जितने भी कट्स हैं उनको सील कर दें, ताकि इसके ऊपर फंगल अटैक ना हो। दोस्तों यदि आपके पास फंगीसाइड अवेलेबल है तो आप फंगीसाइड को भी अपने गुलाब के पौधे के कट्स के ऊपर लगा सकते हैं। टर्मरिक पाउडर भी फंगीसाइड के जैसा ही काम करेगा, इसके लिए मैंने आज इस पर टर्मरिक पाउडर को यूज़ किया है। दोस्तों अब आपको अपने गुलाब के पौधे का जो गमला है उसकी मिट्टी को लूज करना है अच्छे से, और यदि आपके गमले में खरपतवार उग गई है तो आप खरपतवार को निकाल करके फेंक दें, नहीं तो ये हमारे गुलाब के पौधे का न्यूट्रिशन ले लेंगी। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो गमले की मिट्टी हमने लूज की है उसको हमारे पौधे के साइड से गड्ढा बना लेना है और साइड पर चढ़ा देना है, ऊपर कर देना है, ताकि हम जब इसके अंदर फर्टिलाइज़र मिलाएं तो हमारे मिट्टी के अंदर आसानी से मिल जाए और अंदर दबा रहे, पानी के साथ बाहर ना आए। दोस्तों अब हम हमारे गुलाब के पौधे के अंदर फर्टिलाइज़र देंगे। ये ऑल इन वन कंपोस्ट है जिसे मैंने बनाया था। इसे कैसे बनाते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने उसे आई बटन में भी ऐड कर दिया है, आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। ये जो दो कुल्हड़ रखे हैं, इसे मैंने अपने 14 इंच के गमले के लिए मेज़रमेंट मान के रखा है कि ये दो कुल्हड़ फर्टिलाइज़र देने से मेरा 14 इंच के गमले के अंदर प्रॉपर फर्टिलाइज़र मिल जाता है और मेरा पौधा हेल्दी बना रहता है। इसके लिए आप यदि चाहें तो इसको एक दो मुट्ठी के तौर पर कंपेयर कर लें, दो से तीन मुट्ठी अपने गमले के अंदर मिला दें यदि आपके पास कुल्हड़ नहीं हो तो। अब आपको क्या करना है कि जो हमने मिट्टी लूज़ की थी और गमले की साइड के ऊपर चढ़ाई थी उसको वापस कवर कर देना है और हमारे फर्टिलाइज़र को अंदर दबा देना है। दोस्तों अब हम हमारे पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिला लेंगे और इसे हम अच्छे से घोल करके पानी में मिक्स कर लेंगे, और यही पानी को हम यूज़ करेंगे अपने गुलाब के पौधों में पानी देने के लिए फर्टिलाइज़र देने के बाद में और प्रूनिंग के बाद में। दोस्तों यदि आप अपने गुलाब के पौधे में टर्मरिक वाला पानी डालेंगे तो उससे आपके पौधे में यदि कुछ फंगस से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है जड़ों के अंदर, तो टर्मरिक उसे ट्रीट करके आपके पौधे को हेल्दी बनाई रखेगी और आने वाले समय में भी आपके गुलाब के पौधे की जड़ों के अंदर फंगस लगने नहीं देंगी। दोस्तों इसी के साथ हमारा गुलाब का पौधा विंटर सीजन के लिए तैयार हो चुका है। हमारे गुलाब के पौधे के अंदर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दिया है और इसकी कटिंग कर दी है, जिससे हमारे गुलाब के पौधे में आने वाले समय में ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे और हमारा पौधा हेल्दी बना रहेगा। आपको यदि ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप यदि चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर चालू करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।